हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम सर्विस करने वाले हैं और कुछ रिपेयर करने वाले हैं वॉशिंग मशीन को। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको, चलो पहले प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, ये हम इसको पहले हमने ऑन किया हुआ है, ये अभी ऑन है। तो अब हम इसको जब ऑन करते हैं, यहाँ से चलाते हैं, तो ये चल रहा है, ये घूम रहा है। बट अगर हम इसको बंद करके अगर हम इसको चलाते हैं तो ये नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो देखिए, ये कभी चलता है कभी नहीं चलता। अभी ये नहीं, इसको उल्टी तरफ घुमाते हैं तो अब फिर से ऑन करते हैं, नहीं चल रहा है ये जैसा हमने घुमाया था वैसा ही चल रहा है, लेकिन ये सही से नहीं चल रहा है। हमने ऑफ कर दिया, फिर घुमा रहे हैं तो भी ये नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसको चलो ठीक करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी हमने स्क्रू ड्राइवर ले लिया है और अभी हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसको ओपन करने के लिए हमें पहले सिंपली ये पीछे वाले जो भी स्क्रूज हैं ये रिमूव करने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हम इसको थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे यहाँ से और ये हमारा ओपन हो गया है। इसको हम साइड रख देते हैं। अरे वाह, इसके अंदर तो कितना सारा हुआ है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या है कि ये, अभी हमने स्विच वहाँ से निकाल दिया है इसका। तो पहले हम इस जाले को थोड़ा साफ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जाल लगा हुआ है इसमें, काफ़ी दिनों से इसकी सफाई नहीं हुई है ना ही इसकी सर्विस हुई है। देखो मकड़ियाँ भी लग गई है यहाँ पे अभी। तो हम इसको, तो ये इसकी वायरिंग है और ये इसका सेल है, निकल नहीं रहा है। चलो उसको हम बाद में देखेंगे। अब तो मैं अभी स्विच ऑन करता हूँ और मैं इस हम इसको चला के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। हमने ऑन कर दिया है और अब हम, हमने बटन भी ऑन कर दिया इसका, लेकिन ये चल नहीं रहा है। इसको घुमा के देखते हैं, देखा हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या है। जब हमने इसको तार को खींचा है तो ये चल रही है, अभी आप देखेंगे तो ये अभी चल रही है, ये देखिए घूम रही है अभी। ये क्यों घूम रही है, अभी इसको एक बार बंद करते हैं हम। अभी हमने इसको बंद कर दिया है, यहाँ से हम एक बार इसको निकाल लेते हैं। जब हम इसको ढीला छोड़ते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये है, हमारी मोटर ओके है बट जो ब्रेक पैड है इसका, जो इसको स्टॉप करता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अभी हमने इसको ब्रेक पैड को लूज किया है और अब चलाते हैं। तो देखिए आवाज़ कर रही है लेकिन ये ब्रेक पैड लगा हुआ है, इस वजह से चल नहीं रही है। हम ब्रेक पैड को खींचते हैं तो ये चल पड़ी हमारी। तो प्रॉब्लम जो है वो इसमें ब्रेक पैड की प्रॉब्लम है, तो हमें इसके ब्रेक पैड को चेक करना पड़ेगा। और फिर हमने, जैसे हमने छोड़ दिया ब्रेक पैड तो ये रुक गई है, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही है जो कि हमारी मोटर से आ रही है। हमने इसको ऑफ कर दिया है, फिर एक बार चला के देखते हैं। मोटर चल नहीं पा रही है, आवाज़ कर रही है क्योंकि ब्रेक पैड लगा हुआ है, हमने ऑफ कर दिया। अब हम ब्रेक पैड को टाइट करते हैं। तो ब्रेक पैड को टाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा वापस। हमने इसमें डाल दिया, लेकिन ऑन करके देखते हैं, चल गई है हमारी, ये चल रही है बट ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे जो इसका कवर है, ये वाला ऊपर, ये जो कवर है इसकी प्रॉब्लम है।
जब ये कवर को हम ऊपर नीचे करते हैं तो ये वायर, इसका ये जो ब्रेक पैड वायर है ये हिलता भी नहीं है, क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड है, ये इससे ऊपर नीचे होना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो अभी इसको प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम ऊपर से हमें खोलना पड़ेगा इसकी कवर को, इसका कवर जो कि यहाँ से है, ये जहाँ से कनेक्टेड है ये, इसकी वजह से ये अंदर जा रहा है तो इसकी वजह से ये कवर कनेक्टेड है। तो हमें ये पूरा खोलना पड़ेगा, ये पूरा हमें खोलना पड़ेगा ताकि हम इसका जो ये ब्रेक पैड वाला है सिस्टम इसको समझ सके। तो चलिए खोलते हैं इसको और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको खोलना। ये हमने प्लास से इसको खोल लिया है। तो गाइस इसका हम ढीला कर लेंगे, तो ये हमारा खुल गया जी। ये हमारा खुल गया। अभी हम देखते हैं जब हम इसको ढक्कन, जब इस ढक्कन को हम बंद करते हैं तो इस पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। ये देखिए हमने इसको प्लग लिया है, तो जब ये ढक्कन बंद होता है, इधर देखिए, जब ये ढक्कन बंद होता है ये, तो ये ऐसे वर्क करता है, मतलब ये वाला ऐसे बंद होता है, ये वाला ऐसे, ये जब ऐसे बंद हो जाता है तो ये हमारे जो आपस में जो स्विच है ये स्विच वर्क करते हैं, तभी हमारी मोटर ऑन होती है। अब देखिए ये पूरी तरह से बंद नहीं होता, हमने ढक्कन को बंद कर दिया पूरी तरह से, लेकिन ये जो स्विच है ये बंद नहीं हुआ। तो जब ये बंद नहीं होता तो हमारी मोटर चलती नहीं है। तो दोस्तों ये अभी इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे पास ये पार्ट अवेलेबल नहीं है। तो अभी के लिए हमने टेम्परेरी इसको, इस पे टेप लगा दी है, इसको बंद करके इस पे टेप लगा दी है ताकि ये स्विच डायरेक्ट हो जाए, तो आगे इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी के लिए हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है।